अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बचपन की ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। हमारा यूट्यूब चैनल बचपन की ज़िंदगी में खुश आमदीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बचपन की ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं व्लॉग। हमने दो तीन दिनों का हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो हमने सोचा हम अपने जानवर शेयर कर ले। हमने आपसे जानवर भी शेयर नहीं करे काफी तो दिनों, काफी दिनों का हमने आपको हमारे घर भी नहीं दिखाया, प्लाट भी नहीं दिखाया। और चलिए अब हम दिखाते हैं घर। आइए चलते हैं प्लाट में, प्लाट की तरफ। खोलेंगे हमारे सामने ना मेरे मामू का घर है ना, इधर हमारे मामू के दो बेटे और एक बेटी ना वहाँ पे खेल रहे होंगे। चले दोस्तों, इसलिए वो बहुत शोर करते हैं, इसलिए हमने ना कुंडी लगाई हुई है। चले अब तो देखते हैं, खोलते हैं। वो देखे एक हो रहा, एक वो बेटे, ये तो हमारी खाला का बेटा है। इनका नाम वासिफ है, लेकिन हम सब ना इनको केव बोलते हैं। देखिए, ये बकरी ये जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, और जानवर से प्यार तो करना चाहिए। और ये देखे जब भी आता है ना इसको इसको ना गले लगा लेता है और कहता है गुलाबो। ये देखे ये दोनों माशाल्लाह देख बड़े हो रहे ना हमारे। दोस्तों चले तो हम आपको घर दिखाएं ना, घर दिखाते हैं अपना, नहीं अपनी बकरियों का। देखें ये हमारा बेरी का पेड़ की शाखाएं सारी। चलो अब ये दिखाएं जोहा, ये क्या है बताओ? पिंजा। किसका? जोहा का। जोहा का। देखिए दोस्तों, वो जो कोने में मुर्गा है ना बहुत बुरी चोंच मारता है, इसलिए हम ना उनको बहुत कम ही खोलते हैं, मुर्गियों को खोल देते हैं, इनको नहीं खोलते। तो आपने ये तो देख लिया होगा, हम आपको अपने दुम्बे दिखाते हैं। ये देखें ये हमारे मामू का बकरा, ये आपने पहले देखा होगा। और ये देखें जोहा, ये दुम्बा है वो जो जिसके ऊपर बहुत बाल थे, बड़े बाल थे ना माशाल्लाह। इसके साथ एक और दुम्बी थी जिसको हमने जिबा कर दिया क्योंकि वो उसकी बहुत बीमार हो रही थी ना इसलिए। और ये देखे अब यहाँ वो हमने बेच दिया था, फिर उसके बदले ये वाला दुम्बा लिया और जिसको हमने बेचा उसे जिबा कर दिया। और ये हमारा नया मेहमान है, देखे ये भी टक्कर नहीं मारता माशाल्लाह, बहुत मारती मतलब दुम्बी है ना। हमारे मामू का कमरा है, क्या कर रही हो? देखिए दोस्तों, ये हमारी ना बकरियों को घर दिखा तो दिया, लेकिन फिर भी एक दफा चले अब हम आपको अपना वो ये वाले प्लाट तो सारे दिखा दिए, लेकिन अब हमारा मामू का कमरा देखिए, चले हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो ये हमारा कच्चा एक घर है ना, इधर भी ये जो फर्ज बना है ना, ये पूरा प्लाट कच्चा था। तो पहले इधर ना हमारी नानी इस पे ना सब वो उगाती थी, क्या सब्जियां, धनिया, पुदीना, हर चीज। तो चलो हम अपना घर दिखाते हैं। मेरा नहीं लेकिन अलीशा भी घर। चले दोस्तों, हमारा आप मतलब हम सबका युवा देखो। चले दोस्तों, अब हम ये दिखाते हैं आपको। आप बेरी का पेड़ दिखाओ, उसकी शाखा कितनी छोटी सारी। देखिए दोस्तों, कितनी सारी थी और अब देखे कितनी। देखिए कितने कम पत्ते हो गए हमारी बेरी के पेड़। अभी ये तो दो तीन दिन में ही हो गए, पहले तो हमारे बेरी का पेड़ गंजा हो गया था। और आप ये फूल वाला पेड़ दिखाओ, सूरज सर पे सवार है। ये देखें इसमें इसमें अभी फूल नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे को पता नहीं कि नानी नानी को पता है कि कब आते हैं ये इसके अंदर वो फूल और वो बेर। बाहर नहीं, कौन से मौसम आते हैं सोच के बताऊंगी। विंटर, सर्दी के दिन ज्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मी के हमको तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब सर्दी आती है तो हम कहते हैं गर्मी के अच्छे होते हैं क्योंकि हम रजाइयों में घुसे रहते हैं, और लेकिन सर्दियों के दिन आते ज्यादा अच्छे होते हैं ना क्योंकि हम रजाइयों में घुसे रहते हैं, काम भी होता है। सर्दी में सर्दियों के दिन आते फिर रात में मूंगफली वगैरह खाते हैं, हाँ। सर्दियों में भी मजे होते हैं, और गर्मियों के दिन आते तो ठंडा पानी पीते हैं और शरबत बना के पी लेते हैं ना, मजा आ जाता है। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दीजिए क्योंकि हमने आपको अपना घर दिखा दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।